हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दयम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा करतार प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है, जिसमें हम 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आप वो सभी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है सभी वीडियो का, तो आप लोग जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे साथ साथ आप भी इसको ये प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और अपना स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सपोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। सपोर्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड यानी ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, इसमें जो चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें चार ऑप्शंस दिया हुआ है और ये चारों ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो गलत दिया हुआ है, आपको उसी को फाइंड करना है। तो मेरा जो गलत का ऑप्शन है फ्रेंड्स ये टारगेटेड है। क्या टारगेटेड? टारगेटेड का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यानी राइट इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ तो देखिए फ्रेंड्स डबल टी लगाया है, यहाँ टारगेटेड में सिंगल टी होता है, यहाँ डबल टी नहीं होता है। बात करें फ्रेंड्स कि टारगेटेड का हिंदी क्या होता है, तो टारगेटेड का हिंदी होता है फ्रेंड्स लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। बात करें फ्रेंड्स ये तीन ऑप्शंस का हिंदी क्या होता है, तो ये तीन ऑप्शंस का हिंदी देख लेते हैं। क्लेरिकल, क्लेरिकल का हिंदी आपका होता है फ्रेंड्स लेखन संबंधी या लिपिक। क्या होता है? लेखन संबंधी या लिपिक। बात करें फ्रेंड्स रिक्रूटमेंट का, तो रिक्रूटमेंट का हिंदी होता है ऑप्शन नंबर टू का हिंदी होगा भर्ती। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा और इसका भी हिंदी देख लेते हैं। इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट का हिंदी क्या होगा फ्रेंड्स, तो इम्पावरमेंट का हिंदी होता है सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है फ्रेंड्स डेलीब्रेट, डेलीब्रेट, डेलीब्रेट का आपको क्या करना है, डेलीब्रेट का आपको सिनोनियम को फाइंड आउट करना है यानी सिमिलर वर्ड। तो इसका जो सिमिलर वर्ड होगा फ्रेंड्स विलफुल होगा। बात करें फ्रेंड्स कि डेली फुल का हिंदी क्या होता है, सॉरी डेलीब्रेट का हिंदी क्या होता है, तो डेलीब्रेट का हिंदी होता है फ्रेंड्स आपका विचार। क्या होता है? विचार। और विलफुल का हिंदी भी आपका होगा विचार। बात करें ये तीन ऑप्शंस का हिंदी का फ्रेंड्स, तो ये तीन ऑप्शंस का हिंदी हम देख लेते हैं। पहला है विक्ड, तो विक्ड का हिंदी होता है फ्रेंड्स क्या होता है, दुष्ट या फिर शैतान। फिर है सबमिसिव, तो सबमिसिव का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, सबमिसिव का हिंदी होता है विनम्र। क्या होता है? विनम्र। और विलफुल का तो आपको बता ही दिए कि विलफुल इसका राइट आंसर होगा, डेलिब्रेट का यानी इसका हिंदी होगा विचार। और वर्थ का हिंदी का बात करें फ्रेंड्स, तो वर्थ का हिंदी होता है कोप या फिर क्रोध। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कॉलिएशन का एंटोनियम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉलिएशन का एंटोनियम पूछ रहा है यानी इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे कि आखिर कॉलिएशन का हिंदी क्या होता है, तो कॉलिएशन का हिंदी होता है फ्रेंड्स गठबंधन या फिर संघ। क्या होता है? गठबंधन या संघ। इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा फ्रेंड्स, इसका अपोजिट मीनिंग होगा डिसरप्शन। डिसरप्शन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, विघटन या भंग, विघटन या फिर भंग। ओके बात करें फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी एक ही है फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी है संघ। क्या है? संघ। यानी ये तीनों ऑप्शन कॉलिएशन का सिनोनियम हुआ। यूनियन मीन्स भी होता है संघ, लेग्यूमिस मीन्स होता है संघ और फेडरेशन मीन्स होता है महासंघ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मेरा नरेशन से, यानी ये डायरेक्ट स्पीच में है फ्रेंड्स और इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो यहाँ पहले इस तरह का क्वेश्चन आपको सामने आया रहे, लेट लगा रहे, तो आप लोग एक बात को ध्यान रखिएगा, पहले आप लोग सेंटेंस को समझने का कोशिश कीजिएगा। सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है फ्रेंड्स, अगर आप इसको हिंदी में करके समझ लेते हैं तो आपको इसको सॉल्व करने में काफ़ी आसान होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, उसने कहा, ही सैड, उसने कहा लेट इट रेन, काश वर्षा हो, यानी कोई इच्छा प्रकट कर रहा है, इच्छा अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है। तो इच्छा व्यक्त करने वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, विश्ड का, WISHED विश्ड, यानी सैड के जगह किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, विश्ड का, विश्ड का। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। और कहेंगे आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन नंबर एक क्यों नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर वन क्यों नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर वन इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड्स क्योंकि देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह डैट आएगा जो यहाँ पे नहीं है, और इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो देखिए ही विश्ड डैट इट शुड रेन, मतलब उसका उसने सोचा या उसने अपना इच्छा प्रकट किया कि आज वर्षा होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर होगा सर,
फ्रेंड्स, ये ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये एक्टिव वॉइस में फ्रेंड्स, और इसको आपको चेंज करना है क्या, इसको आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इसको हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई, आई वॉज सरप्राइज एट हिज रिप्लाई। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इधर आके सब्जेक्ट बनेगा। तो कौन कौन सा ऑप्शन में ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, हिज रिप्लाई अपने साथ क्या लेगा फ्रेंड्स, हिज रिप्लाई अपने साथ वॉज लेगा, जो ऑप्शन नंबर फोर में नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर फोर इज रॉन्ग आंसर एंड ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रूल है, आप अपने पेन और पेपर लेके बैठिए और इस रूल को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, गिव द रोजेज, क्या कह रहा है, गिव द रोजेज लिटिल वाटर एवरी डे, नो एरर। तो इसमें जो एरर है फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर टू में एरर है। कैसे एरर है हम आप लोग को बताते हैं। लिटिल वाटर का अर्थ होता है, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, लिटिल वाटर का अर्थ होता है नहीं के बराबर। तो क्या गुलाब के पौधा में या गुलाब में पानी को नहीं के बराबर डालना चाहिए या नहीं के बराबर देना चाहिए, नहीं। तो यहाँ जो लिटिल वाटर का प्रयोग हुआ है, इसके जगह क्या प्रयोग होना चाहिए फ्रेंड्स, इसके जगह ए लिटिल वाटर का प्रयोग होना चाहिए। और बात करें अगर ए लिटिल वाटर का अर्थ क्या होता है, तो ए लिटिल वाटर का अर्थ होता है थोड़ा सा, तो गुलाब में थोड़ा सा पानी देना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी प्रतिदिन, यहाँ देखिए एवरीडे, तो प्रतिदिन गुलाब में थोड़ा थोड़ा पानी देना चाहिए। और लिटिल वाटर में, लिटिल का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, लिटिल वाटर मीन्स गुलाब में नहीं के बराबर पानी देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर टू में मेरा एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई का आपको ऑब्जेक्टिव केस पूछा है, आई का आपको ऑब्जेक्टिव केस पूछा है। तो आई होप कि आप लोग इसका आंसर आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्ट टेंस ऑफ फ्रिजी, पास्ट टेंस ऑफ फ्रिजी, यानी फ्रिजी आपका वी वन है और इसका वी टू आपको फाइंड करना है। तो बात करें अगर फ्रेंड्स फ्रिजी का हिंदी क्या होता है, तो फ्रिजी का हिंदी होता है अस्थिर या जम जाना। तो इसका आपको पास्ट टेंस जो है आपको कमेंट बॉक्स में आपको जाकर कमेंट करना है कि इसका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरो का एडजेक्टिव पूछा है, हीरो का एडजेक्टिव पूछा है। तो हीरो का जो एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स, हीरो का एडजेक्टिव हीरोइक होता है, ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है। तो हम आपको हर एक वीडियो में कहते हैं फ्रेंड्स, आपके एयरफोर्स नेवी में एक्स वाई ग्रुप में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से एक क्वेश्चन तो अनत्य है, जिसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सेंटेंस को पहले समझना होता है और उसके बाद इसका वन वर्ड को फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम लोग सेंटेंस को समझते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो सबसे अलग है, सबसे अलग कैसे है, उसके पास दर्द है लेकिन वह सबसे छिपाता फिरता और सभी के सामने खुशी को व्यक्त करता है, तो वह सबसे भिन्न है। तो उसे क्या कहते हैं, जिसके पास दर्द हो और वह सभी के सामने खुशी व्यक्त करते हैं, तो वैसे पर्सन को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो वैसे पर्सन को अस्टोइक कहते हैं। अगर अस्टोइक का हिंदी का बात करें फ्रेंड्स, तो अस्टोइक का हिंदी होता है साहसी या फिर बहादुर, साहसी या बहादुर। बात करें फ्रेंड्स और ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो पहला तो फिर है सोम नाम, यहाँ देखिए सोम नाम बेलिस्ट, यहाँ इसका जो मीनिंग है फ्रेंड्स, इसका जो स्पेलिंग है इसमें थोड़ा सा इरर है, यहाँ ए के जगह यू होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, ए के जगह यू होगा, सोम नाम ब्यूलिस्ट। इसका हिंदी का बात करें फ्रेंड्स, तो इसका हिंदी होता है नींद में चलने वाला, क्या होता है, नींद में चलने वाला। नेक्स्ट है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, फ्रेजाइल का हिंदी होता है नाजुक या फिर कमजोर। और बात करें फ्रेंड्स रोबोस्ट का हिंदी क्या होता है, तो रोबोस्ट का हिंदी होता है मजबूत या स्ट्रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स, ये आपका इडियम्स फ्रेज से है। तो इसका मतलब क्या होता है, बाय लिप्स एंड बॉन्ड्स मतलब कोई काम को बार बार करते रहना,
तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा रैपिडली। रैपिडली मीन्स क्या होता है, तेजी से या फिर बार बार। और बात करें फ्रेंड्स ये तीनों ऑप्शंस का हिंदी का, तो फ्यूटाइल सर्च का हिंदी होता है फ्रेंड्स निरर्थक, और फ्लैटरी का हिंदी होता है फ्रेंड्स चापलूसी, और टू स्पीक प्लेनली का हिंदी होता है फ्रेंड्स स्पष्ट रूप से बोलने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन लव्ड फिल इन द ब्लैंक हिम, तो इसके इसका जो सुटेबल आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सुटेबल आंसर होगा एट, मतलब इसका सेंटेंस का हिंदी भी समझ लेते हैं, मतलब सभी लोग उस पे हंस रहे थे, उस पे यानी इसके साथ एट का प्रयोग होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास है, ही वॉज लेफ्ट फिल इन द ब्लैंक डेड ऑन द फील्ड, ही वॉज लेफ्ट फिल इन द ब्लैंक डेड ऑन द फील्ड, तो इसके साथ जो सुटेबल आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सुटेबल आंसर होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गुड पे मास्टर नेवर वांट्स फिल इन द ब्लैंक्स, क्या प्रयोग होगा इसके साथ, डेथ प्रयोग होगा, हुक्स प्रयोग होगा, पीस प्रयोग होगा, वर्कमैन प्रयोग होगा, तो इसका साथ जो सुटेबल आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सुटेबल आंसर होगा वर्कमैन। इसका सुटेबल आंसर क्या होगा, वर्कमैन। अगर ये सेंटेंस का हम हिंदी समझें तो ये सेंटेंस का हिंदी होगा फ्रेंड्स, एक ऐसा पे मास्टर, एक अच्छा पे मास्टर वैसा कारीगर को कभी भी नहीं चाहेगा, कभी भी पसंद नहीं करेगा जो काम नहीं करता हो। तो अगर हम यहाँ पे डेथ लगाते हैं तो एक इसका हिंदी क्या होता, एक अच्छा पे मास्टर वैसा मृत्यु नहीं चाहेगा, फिर वैसा शांति नहीं चाहेगा, या फिर वैसा हुक्स नहीं चाहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वर्कमैन ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नो बडी लाइक्स अ पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स बैड टेम्पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा विद होगा। और बात करें ये सेंटेंस का हिंदी का, तो ये सेंटेंस का हिंदी होगा फ्रेंड्स, मतलब एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा बुरा स्वभाव वाला पर्सन को कोई आदमी नहीं पसंद करता है, बुरे स्वभाव वाले पर्सन को यानी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति को कोई भी आदमी पसंद नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स विद होगा। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो इसे एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिए, और आपका जितना स्कोर आया है फ्रेंड्स वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप कोई हमें सजेशन देना चाहते हैं या फिर ये वीडियो में हमसे कुछ गलती हो गया है हमें बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम एयरफोर्स और नेवी के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो बनाते रहते हैं, और जब भी अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।